दोस्तों आज जिंदगी में पहली बार मैंने गरबा खेला। वाओ! इससे पहले मैंने कभी गरबा नहीं खेला था। वाओ! वैसे मुझे गरबा देखने का शौक तो काफी वक्त से है और इसी वजह से मैं टीवी, मोबाइल और अपने आसपास जहां गरबा कार्यक्रम होता है वहां देखने जाता हूं। लेकिन मेरे मन में ये भी इच्छा काफी वक्त से थी कि मैं भी कभी गरबा खेलूं। वाओ! लेकिन मैंने इसके लिए कभी प्रयास ही नहीं किया। लेकिन जब आज मैं गरबा देखने गया एक नई जगह पर, क्योंकि मैं रोज ही नई नई जगह पर गरबा देखने जाता हूँ, और जब मैं वहां रुका गरबा देखने के लिए तो मुझे काफी अच्छा लगा। वैसे वहां ना ही ज्यादा चकाचौंध थी और ना ही ज्यादा भीड़ थी और गरबा खेलने वाले भी बहुत ज्यादा नजर नहीं आ रहे थे। फिर कुछ देर बाद मम्मी ने मुझे बोला कि जाओ और तुम भी गरबा खेलो। वैसे क्योंकि मैंने कभी गरबा नहीं खेला था इसलिए मुझे थोड़ी हिचकिचाहट हो रही थी, लेकिन क्योंकि मन में गरबा खेलने की इच्छा भी थी इसलिए वो हिचकिचाहट थोड़ी ही देर में खत्म हो गई और मैं पहुंच गया गरबा खेलने के लिए। वैसे एक दो राउंड घूमने तक मुझे थोड़ी दिक्कत हुई, फिर धीरे धीरे मुझे थोड़ा थोड़ा गरबा खेलना आने लगा। वैसे बहुत ज्यादा अच्छे से तो नहीं, लेकिन अब मुझे थोड़ा अच्छा लग रहा था। शुरुआत में तो थोड़ी थकान जैसी अनुभूति भी हो रही थी, लेकिन थोड़ी देर बाद अब वो भी दूर हो चुकी थी। वैसे यहाँ बच्चे और बड़े सभी गरबा देख रहे थे। वैसे मैं उन्हें नहीं देख रहा था क्योंकि मेरा पूरा ध्यान गरबा खेलने पर था। और साथ में गरबा खेलने वालों को देख देख कर मैं गरबा खेलने का प्रयास करने में व्यस्त था। वैसे ये मेरे लिए एक बिल्कुल नया अनुभव था। आज मैं वो काम कर रहा था जिसे करने की मैं काफी सोचता था लेकिन मैंने कभी किया नहीं। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके मन में भी कोई छुपी हुई इच्छा हो तो उसे अवश्य पूरा करें। किसी भी काम की शुरुआत में हिचकिचाहट तो होती है और साथ में मन में ये भी आता है कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन आप इससे ऊपर उठिए और आगे बढ़कर शुरुआत कीजिए, फिर सब आसान लगने लगेगा। वैसे आज जहाँ मैंने गरबा खेला वो एक रोड है जिसे गरबा खेलने के लिए बंद किया गया था, लेकिन पास वाला रोड चालू था जिस पर से वाहन आ जा रहे थे और थोड़े बहुत कंकर वगैरह भी चुभ रहे थे, लेकिन मैंने इसकी परवाह नहीं की। अगर करता तो मैं गरबा नहीं खेल पाता और एक अलग और अद्भुत अनुभव मुझे प्राप्त नहीं हो पाता। वैसे काफी देर गरबा खेलने के बाद भी जब मुझे थकान महसूस नहीं हो रही थी और लगातार गरबा खेलने की ऊर्जा पता नहीं कहाँ से मिल रही थी, तब उस वक्त मैंने अनुभव किया कि ये माता जी की शक्ति ही है जो कि गरबा खेलने वालों को थकने नहीं देती है और उन्हें ऊर्जा प्रदान करती है। तो ये आज का अलग सा अनुभव मैं आपसे साझा करना चाहता था जो कि मैंने किया। तो ठीक है दोस्तों, इस वीडियो को मैं अब यही विराम देना चाहूंगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हम मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।